शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है क्लास BA, जिसके अंदर हम जो है वो पढ़ रहे थे नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। और इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन रीड आउट करेंगे वो ये है, द ओल्ड मैन एंड हिज पास्ट मेमरी, और इसकी माजी की जो है वो यादें। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पास्ट मेमरीज ऑफ द ओल्ड मैन, उसकी जो माजी की जो यादें हैं उनकी क्या अहमियत है, ये हम जो है वो रीड आउट करते हैं। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन रीड आउट करना। एसोसिएशन तन्हाई ऑफ ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की। द ओल्ड मैन एंड द सी डील्स विद, बहस करता है द एडवेंचर मुहिम के बारे में ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन, बूढ़े मछेरे के। हु गोज इन द वाइड सी, जो जाता है खुले जो है वो समुंदर में टू हंट अ फिश, मछली पकड़ने के लिए। ही स्पेंड्स 3 डेज, वो गुजारता है 3 दिन एंड 3 नाइट्स, 3 रातें इन हिज बोट, कश्ती में, टू ओवरकम, काबू पाने के लिए द बिग फिश, बड़ी मछली को, मार्लिन को। ही हैज़ हुक्ड, वो पकड़ता है द फिश, मछली को। पुट्स अप अ ग्रेट रिजिस्टेंस, बहुत मज़ाहमत से, टू द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, एंड रिफ्यूज टू यील्ड, और इनकार कर देता है हार मानने से, बिफोर हिम, इसके आगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज फाइट, लड़ाई के दौरान विद द मार्लिन, मार्लिन के साथ, द ओल्ड मैन इज एक्सट्रीमली, मुकम्मल तौर पर टायर्ड, थक जाता है, एक्सोस्टेड, थक जाता है। ही फील्स वीक, वो महसूस करता है कमज़ोरी एंड हंगरी भूख। हिज हैंड्स आर बैडली इंजर्ड, इसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हिज माइंड बिकम्स, इसका जहन बन जाता है कन्फ्यूज, परेशान। ही इज़ ऑल अलोन, वो तनहा है, एंड अनएडेड, बगैर अमदाद के। इन दिस और इस जो है वो वक़्त में वो आइसोलेशन तनहाई के, ही ट्राई कोशिश करता है टू बूस्ट अप, बुलंद करे हिज फीलिंग स्पिरिट्स, अपने जो है वो जज्बे को, बढ़ते हुए जज्बे को, इन अ नंबर ऑफ वे, कई तरीकों से। ही ईट्स, वो खाता है द मीट, गोश्त ऑफ द रॉ फिश, कचली मछली का, एंड ड्रिंक वाटर, पानी पीता है टू स्टैंड, ताकत के लिए। एट द सेम टाइम, इसी वक्त ही रिमेंबर, याद करता है माजी के वाकयात ऑफ हिज लाइफ, जिंदगी के। वैन ही वाज यंग, जब वो नौजवान था और जिस्मानी तौर पर मजबूत था। नेक्स्ट स्टेप टू ओवरकम लोननेस, काबू पाना अपनी जो है वो तन्हाई पर। मेमोरी ऑफ हैंड कॉम्पिटिशन, याद जो उससे रिलेटेड है, द ओल्ड मैन रिमेंबर, याद करता है द हिस्टोरिक, तारीखी हैंड कॉम्पिटिशन, मुकाबला विद द नेग्रो अफशी के साथ। ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, वो एक मजबूत आदमी था, द डॉक्स गोदी का। द कॉम्पिटिशन, मुकाबला कंटिन्यू फॉर 24 घंटे जारी रखता है। द ओल्ड मैन डिफीटर, हरा देता है द नेग्रो हबशी को आफ्टर नर्व ब्रेकिंग असाब शकन स्ट्रगल, जदोजहद पर। ही वन द टाइटल, वो जीत जाता है टाइटल ऑफ द चैम्पियन, चैम्पियन का, बाई रिकॉलिंग हिज इंसिडेंट, याद करके ये वाकया। ही बोस्टर्ड अप हिज फेलिंग स्पिरिट, वो अपने जज्बे को उभारता है, एंड बिकेम रेडी, तैयार हो जाता है टू फाइट विद द फिश, मछली के साथ लड़ाई करने पर। मैन मेमोरी ऑफ डी मैग्यू, बूढ़े आदमी की जो है वो मेमोरी, डी मैग्यू द बेसबॉल प्लेयर के बारे में जो है वो डिस्कस करें। इस तरह आपको जो है वो सवाल आ सकता है, आपने इसको जो है वो गौर से देखना है। द ओल्ड मैन कलेक्टेड हिज स्ट्रेंथ, इकट्ठी करता है अपनी ताकत, बाई रिमेम्बरिंग, याद कर हिज हीरो, अपनी हीरो द ग्रेट यंकीज प्लेयर, और अजीम अमरीकी प्लेयर और बेसबॉल के, डी मैग्यू के बारे में। ही वॉज द फेवरेट है ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का। द ओल्ड मैन बिलीव की रखता है दैट नो टीम, कोई टीम भी कुड लूज द मैच, मैच नहीं आ सकती इफ डी मैग्यू वॉज इन इट, अगर डी मैग्यू इसमें हो। ही प्लेड द गेम, वो गेम खेलता है नीटली, साफ एंड स्किलफुली, हुनर तरीके के साथ। ही विजुलाइज, वो सबर करता है हिज ग्रेट हीरो, अपना अजीम हीरो, रिमेंबर, याद करता है ही मिसे एंड इन दिस वाई, इस तरह कलेक्शन हिज एनर्जी, वो अपनी जो है वो कलेक्टेड, जमा करता है हिज एनर्जी, अपनी ताकत को। ड्रीम्स ऑफ लायंस एज अ बॉय, लड़के के तौर पर द ओल्ड मैन ऑलवेज ड्रीम देखता है ऑफ लायंस, शेरों के। ही हैड सीन्स, वो देखता है दो ब्यूटीफुल खूबसूरत लायन शेरों को प्लेइंग लाइक कैट, जैसे कि वो खेल रहे हैं बिल्लियाँ ऑन द बीच समुंदर पर, इन अफ्रीका की। दीज लायन, ये शेर सर्व एज अ सो जरिया है ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का, एंड इंस्परेशन, जज्बे का, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी के लिए। ही आल्सो रिमेंबर, याद करता है द बॉय, लड़के को, मेलोलिन को, ड्यूरिंग हिज सी एडवेंचर, अपनी सी एडवेंचर में। द बॉय वाज सिंबल, अलामत है ऑफ द ओल्ड मैन, लॉस्ट यूथ, बूढ़े आदमी की खोई हुई जवानी की। इन दिस टाइम
ऑफ डिफ़िकल्टी, मुश्किल के वक़्त ही ओफन सेज, वो कहता है आई विश, मेरी ख्वाहिश है, द बॉय हैज़ बीन हेयर, के लड़का यहाँ जो है वो हो, ही विश, वो ख्वाहिश रखता है टू गेट द हेल्प ऑफ द बॉय, के लड़का जो है वो उसकी मदद करे इन मसाज गेंग मालिश करके हिज क्रैम्प, इसके अकड़े हुए लेफ्ट हाथ को, ही वांटेड, वो चाहता है हिज हेल्प की मदद करे टू होल, अब काबू करने के लिए द हंटेड फिश, जो उसने शिकार की है मछली, ही रिमेंबर, वो याद करता है द बॉय, लड़के को 7 टाइम 7 मरतबा इन हिज हॉर ऑफ नीड, ज़रूरत के वक़्त एंड डिफ़िकल्टी और मुश्किल के वक़्त। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।